गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं, रेबीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर घाव का उपचार सही समय पर हो जाए, रेबीज वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो कर लिया जाए तो 100% रोकथाम की जा सकती है। पागल जानवर या पागल कुत्ते के काटने से जो घाव हुआ है, उसको साबुन और पानी से 15 मिनट तक लगातार धोना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उस पर कोई आयोडीन वाली लोशन लगा दे। जितना जल्दी हो सके रेबीज वैक्सीन के शेड्यूल के हिसाब से अपने टीके लगवाने शुरू कर दें। जब पागल जानवर या पागल कुत्ता बहुत बुरी तरह से काट जाता है, सीवियर बाइट के केसेस में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में अगर घाव बहुत बड़ा है तो कोशिश करें कि टांके लगाने की जरूरत ना पड़े। अगर बहुत जरूरी हो तो बाद ढीले ढीले से टांके लगाए जाएं। WHO ने वैक्सीन शेड्यूल को भी घाव की गहराई के अनुसार रिकमेंड किया है। जब हम किसी पशु या कुत्ते को खाना खिलाते हुए या टच करते हुए उसके संपर्क में आते हैं और वो हमें चाट कर बहुत सारी थूक हमारी चमड़ी पर लगा देते हैं, तो उसको हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। यदि पशु रगड़ से, खरोंच से वो हमारे ऊपर हल्का सा जख्म कर दे लेकिन खून नहीं निकले, तो ऐसे घाव को कैटेगरी 2 में रखा गया है। यदि पागल जानवर हमारी चमड़ी पर एक या अनेक जगह पर कट कर दे, घाव कर दे, या फिर हमारे किसी कटी हुई चमड़ी और कटे हुए म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत सारी थूक लपेट दे, तो उसको हम कैटेगरी 3 मानते हैं। कैटेगरी 1 के जख्म को अच्छे से पानी और साबुन से 15 मिनट के लिए धोना जरूरी है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के घाव होने पर वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है, और अगर यदि पहले कभी वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है तो आपको 3 ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं। उनमें से कोई सी एक ऑप्शन के शेड्यूल के हिसाब से आप टीकाकरण जरूर और जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो अलग जगह पर आप इंट्राडर्मल वैक्सीन लगवा सकते हैं ऑन डे 0-3-7, यानी जिस दिन कुत्ते ने काटा उस दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन इंट्राडर्मल इंजेक्शन 2-2 जगह पर जरूर लगवाएं, या फिर एक जगह पर इंट्रामस्कुलर टीका 0, 3 और 7 डेज पर लगवाएं, और चौथा टीका 14 और 28 दिन के बीच में कभी भी लगवा लें। या फिर ऑप्शन तीसरी ये है कि आप पहले दिन 2 जगह पर इंट्रामस्कुलर टीका लगवा लें और 7वें और 21वें दिन एक साइट पर इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगवाएं। यदि घाव कैटेगरी 3 का है तो इस वैक्सीन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार ये वैक्सीन शेड्यूल पूरा हो जाने के बाद और इम्यूनोग्लोबुलिन लग जाने के बाद अगर 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा से एक्सपोजर हो जाए, तो तब सिर्फ उस घाव को 15 मिनट तक पानी और साबुन से धोकर आयोडीन वाला लोशन लगा लें। वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन की दोबारा आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। अगर वैक्सीनेशन करवाए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और फिर एक्सपोजर हो जाए, तो पहले दिन 4 जगह पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगवा लें, या फिर इंट्राडर्मल इंट्रामस्कुलर एक साइट वाला इंजेक्शन 0 और 3 दिन पर लगवा लीजिए। आपको बताते चलें कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन स्किन के अंदर दिया जाता है और इसमें सिर्फ 0.1 ml वैक्सीन की मात्रा डाली जाती है। आमतौर पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन डेल्टोइड यानी कि कंधे के पास लगाना चाहिए, और अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है तो वो भी डेल्टोइड रीजन में दें, अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो। 2 साल से छोटे बच्चों को उनके थाई के एंटीरियर साइड में लगाया जाना चाहिए। वैक्सीन इंट्राडर्मल या इंट्रामस्कुलर जैसे मर्जी दी जाए, दोनों का समान असर रहता है। जब भी एक्सपोजर हो, रेबीज वैक्सीन का पूरा शेड्यूल फॉलो करना है। जब हम वैक्सीन शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और बीच में उस कंपनी का टीका मिलना बंद हो गया, तो आप किसी दूसरी कंपनी का लें, लेकिन शेड्यूल पूरा करें। वैक्सीन शेड्यूल फॉलो करते हुए कोई टीका बीच में भूल गया या किसी कारणवश डिले हो गई, तो उसको जैसे ही याद आए आप उसको अगला टीका जरूर लगवा लें। दोबारा से शुरू नहीं करना होता शेड्यूल। इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन एक ही बार लगाया जाता है। जितना जल्दी हो सके रेबीज वैक्सीन लगाने के साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन उस घाव में इन्फिल्ट्रेट कर देना चाहिए,
लेकिन अगर 7 दिन तक अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद लगाने का कोई फायदा नहीं है। इम्यूनोग्लोबिन हमें बचाने में बहुत सहायक होते हैं, लेकिन अगर इम्यूनोग्लोबिन अवेलेबल नहीं है तो भी आप वैक्सीन का कोर्स जरूर पूरा कर लें। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जैसे कि वेटनेरियन, उनके हेल्पर, अटेंडेंट जो पागल कुत्तों का इलाज करते हैं, या जिन इलाकों में रेबीज के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या वो दूर के इलाके जहाँ पर एक्सपोजर के बाद रेबीज वैक्सीन तुरंत मिलने में कठिनाई होती है, ऐसी सिचुएशंस में कुछ लोग प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन भी करवा लेते हैं, यानी कि कुत्ता नहीं काटा फिर भी वो रेबीज की वैक्सीन लगवा लेते हैं। प्री एक्सपोजर वैक्सीन के लिए 2 साइट इंट्राडर्मल या 1 साइट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है और 7 दिन के बाद दोबारा वैसे ही 2 साइट इंट्राडर्मल या फिर 1 साइट इंट्रामस्कुलर वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा लें। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा ये चैनल डॉक्टर राखा सब्सक्राइब जरूर करें